गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ चोर टू से यूट्यूब फैमिली। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। आज मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि क्या करूँ, तो आज मेरा छुट्टी था एंड आई फेल्ट कि नो मैं आप सबको अपना किचन गार्डन दिखाऊँ। वैसे वहाँ किचन गार्डन में ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पर मैं सोचा था कि मैं भी अपना काम कर लूँ एंड साथ ही साथ आप सबको भी मैं वो किचन गार्डन दिखाऊँ। तो मेरे साथ बने रहना एंड सबसे पहले हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, आपका आलू के पराठे, घी एंड वो रही चाय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट के साथ मैंने ये कर दिया, अब चाय को रुलाता हूँ। लोग गिम्बल से 360 व्यूज एंड ऑल लेते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों के टैलेंट से मैं आपका 360 व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, सो ब्रेकफास्ट डन, अब हम चलते हैं किचन गार्डन की ओर। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं किचन की ओर एंड लेते हैं हम एक बास्केट। गाइस, तो इसमें हम रखेंगे अपनी सब्जी। गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं अपने आप को कैमरा में देखता हूँ तो मुझे अपनी शक्ल देख के ना चुचंदर की याद आती है, बिल्कुल लगता है जैसे चुचंदर। गाइस, वैसे तो आप सबको पता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ एंड मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ क्या होता है कि हम कम्प्लीटली नेचर में रिलाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, कि यहाँ की तरह बहुत बड़ी बड़ी गार्डन्स एंड ऑल होते नहीं है हमारे पास। एंड इसी बात को लेके मैं मुझे एक बड़ी हंसी सी बातें याद आ रही मेरी पुरानी, मैं आपको बस शेयर करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी नानी से पूछा था कि नानी आपको नॉन वेज में क्या पसंद है, एंड हमारे वहाँ नॉन वेज में हम लगभग काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खाए जाते हैं, एंड प्लीज़ इसके लिए मुझे जज मत करना। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको नॉन वेज में क्या पसंद है, तो उसने मुझे कहा चूहा, और उसने मुझे बोला कि बेटा मुझे सूहा खाना अच्छा लगता है। तो ये बात मुझे बड़ी याद आती है ना, आज तक मैं जब भी सोचता हूँ इसके बारे में बहुत हंसता हूँ। गाइस, मैं आपको ये बात बता दूं कि अरुणाचल में 90-95% जो पर्सन यूथ होते हैं वो खेती बाड़ी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं आपको आज अपना किचन गार्डन दिखाता हूँ। तो ये रहा पहला जो है लीची का पेड़। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ रहने तक ये कभी हमें पल के कुछ देगा, सो सैड। और ये तीन यहाँ नींबू के बड़े बड़े पेड़ हैं, बट मैंने यहाँ पे कभी फल देखे नहीं है जो इस तरह से दिखता है। आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू माय राइट आई, कि मतलब बार बार ये ना ब्लिंक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कबूतर होता ना, पता नहीं वो जो कबूतर लड़की वाले को क्या कहते हैं, कबूतर नहीं कहते शायद। एंड एनीवे, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जैसे नहीं उसको कबूतर नहीं कहते हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरी जो राइट आई है ना वो कबूतरनी की तरह, बड़े चंचल वाले जो कबूतरनी नहीं होते उसकी तरह बार बार परख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय आई। एंड आप देख सकते हो यहाँ एक ऑरेंज के भी पेड़ है। वैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ है हरी हरी धनिया, एंड ये हवा के बहने से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एंड दीज ऑल आर ऑर्गेनिक, यहाँ कुछ भी खाद हमने मिलाया नहीं है। और ये रहा आपका मेथी जो इस तरह से है, सुबह सुबह इसके बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनते हैं। और ये जो है कश्मीरी पालक कहते हैं इसको, वैसे आप मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लैंग्वेज में या डायलेक्ट्स में क्या बोला जाता है, ये ऐसा दिखता है। और यहाँ है आपका हरा साग, ये देखिए काफ़ी बढ़ गए हैं। और ये है आपका पालक, इसके भी बहुत बढ़िया सब्जी बनते हैं, ये देखिए। सो गाइस, ये है हमारा बंद गोभी जो
जो ऐसा दिखता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बंद गोभी है इसमें किसी में भी एक में भी बंद गोभी नहीं लगे, ओनली पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं। इसने एक्चुअली कसम खा रखी कि हम आपको बंद गोभी नहीं खिलाएंगे, बट मैं इंतज़ार करता रहूँगा जब तक आप हमें बंद गोभी नहीं देंगे। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका गाठ गोभी, एंड ये है दो किस्म के, एक है ब्रिंजल कलर के एंड एक नॉर्मल ग्रीन। ये है आपका लहसुन जो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकले। उम्मीद करता हूँ कि अगले मंथ हमें लहसुन दे देंगे। गाइस ये रहा मेरा आज का छोटा सा किचन गार्डन, एंड आप लोगों को अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो होप टू सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।